जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आरओई स्कूल भर्ती से संबंधित बड़ी खबर, रिजल्ट में हो सकता है बड़ा बदलाव। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये देखिएगा आज का न्यूज़पेपर, खास तौर पर लिखा गया है कि संशोधित होगा आरओई स्कूल की PGT राजनीतिक विज्ञान भर्ती परीक्षा का परिणाम। आपको बता दें कि इस प्रॉब्लम के कारण ही आपका रिजल्ट लेट और हो रहा है। हालांकि रिटर्न एग्जाम से संबंधित रिजल्ट डाल दिया गया है, लेकिन अगला स्टेप होने वाला था एकेडमिक जो नंबर्स थे उसके आधार पर वो प्रोसेस धीमा हो गया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन अब आरओई स्कूल के PGT राजनीति विज्ञान की भर्ती परीक्षा के परिणाम को रिवाइज करेगा। इसके तहत संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 28 व 26 बताने वालों को अंक दिए जाएंगे। साथ ही वास्तविक संख्या को लेकर बोर्ड प्रशासन SIIRT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से स्पष्टीकरण भी मांगा है। हालांकि संविधान सभा में SC सदस्यों की संख्या 28 है। दैनिक जागरण ने 15 दिसंबर को अंक में संविधान सभा में 80 सदस्यों पर SCERT भ्रम में एंडिंग में प्रकाशित की थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा गत 28 से 30 सितंबर तक आरओई स्कूलों की PGT राजनीति विज्ञान की परीक्षा ली गई थी। टीचिंग और नॉन टीचिंग की परीक्षा में 39,727 विद्यार्थी बैठे थे। इस परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है। इस पर कुछ छात्रों ने 28 तो कुछ ने 26 लिखा था। वही बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी ने शुरू में 26 को सही माना। इस बीच एक परीक्षार्थी SIRT की अंग्रेजी माध्यम में लिखी पुस्तक को लेकर बोर्ड में पहुंच गया, उसमें सदस्यों की संख्या 28 लिखी थी। इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी भी असमंजस में फंस गया था। इस मामले में दैनिक समाचार ने भी पड़ताल का तथ्य जुटाए तो पता चला कि गूगल ने 33 और NCERT की हिंदी पुस्तक में 28 सदस्य ही लिखे हुए हैं। अब बोर्ड प्रशासन ने फैसला लिया कि आरओई स्कूल की PGT राजनीति विज्ञान का परीक्षा परिणाम रिवाइज किया जाएगा। इसके तहत 28 व 26 उत्तर वालों के सभी परीक्षार्थियों के अंक दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं राजीव प्रसाद का स्टेटमेंट, आरोही PGT राजनीति विज्ञान विषय का परिणाम रिवाइज किया जाएगा। इसके साथ ही SCERT से स्पष्टीकरण मांगा है। तो आपको बता दें कि जो अगला प्रोसेस है कुछ धीमा चल रहा है। कुछ मिस्टेक्स डिपार्टमेंट से बोर्ड से हुई हैं, जिसके कारण अगला प्रोसेस होने में काफ़ी वक्त गुजर गया है। हालांकि प्रशासन की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि रिटर्न एग्ज़ाम डिटेल आने के बाद एक हफ्ते के बाद एकेडमिक नंबर जोड़ के आपकी लिस्ट जारी करना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब आगे की प्रोसेस जारी रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जॉब से रिलेटेड जो भी सूचना आती है सबसे पहले इस YouTube चैनल पर अवगत की जाती है। धन्यवाद।